नमस्कार, मी निकिता वागदे. स्टार एपिक्स न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करत आहे आणि बघूया आजचा स्टारचा वार. भारतीय बौद्ध संघ सामाजिक समरसता बैठक नागपूर रवी भवन सिव्हिल लाईन येथे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत संस्थेचे राष्ट्रीय भंते अध्यक्ष संघप्रिया राहुल यांनी उपस्थितांना बंधुता आणि समरसता या विचारधारेवर भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि गौतम बुद्ध यांनी देशातील जनतेला एकता आणि अखंडिताचा पाठ शिकवला. आज जर देशाची एकात्मता आणि अखंडिता टिकवायची असेल तर समाजात सामाजिक समानता आणि बंधुता यासारखे सकारात्मक कार्यक्रम घ्यायला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. मैंने कहा आप बनिए प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ बनने के लिए. हमने कहा कम से कम आप लोग अपने इलाके में जाएंगे, जब ठाकुर ब्राह्मण कहेगा जय भीम नमो बुद्धाय तो समाज आपका जागृत होगा और तलवार के तरफ नहीं साइंस के तरफ जाएगा, कंप्यूटर के तरफ जाएगा. इसलिए मेरा मकसद है कि मेरे दलित समाज जो है, मेरा पिछड़ा जाति है, अगड़ा जाति है, गरीब है, मजदूर है, जो सुबह अपने घरों से निकल के शाम तक अपने बच्चों को देखता है, दवाइयां भी नहीं मिल पाती हमारे समाज के लोगों को, कई हमारे समाज को अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिल पाते हैं, कई अच्छे हमारे समाज को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, उस समाज पे काम किया जाए, क्योंकि भय से डर रहा है. मेरा समाज के ऊपर एक जुर्म जब होता है, किसी दलित समाज के ऊपर जुर्म होता है तो उस गाँव में वो भय से डरता है कि रात में सोता हूँ हो सके ठाकुर लोग आए और मुझे मार के चले जाए, तो भय से डरता है. वो मजदूरी करके कमा खा तो लेगा, सुकून से रह लेगा, तो एक मजदूरी करके वो कर लेगा, कम से कम भय से तो नहीं डरेगा. तो वो भय हमें खत्म करना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. मैं अपनी बात खत्म करूंगा. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जब थे, तो एक दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत आने लगे, तो उनसे कुछ छात्रों ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर शायद आप भारत जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं भारत जा रहा हूँ. कहा कि भारत में तो सुआजू तो ब्राह्मण व्यवस्था इतना अधिक है कि वहां जाके आप क्या करेंगे. तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पंक्त लिखा है, वो पंक्त मैं आपको बता दूं. उन्होंने कहा कि सारी दुनिया की ताली मेरे पास है, सारी दुनिया की ताली मेरे पास है, फिर भी कंधे पे मेरा कुछ दास है. जब मैं छेड़ा आयु में डर जाऊंगा, वरना गोली से अपने मर जाऊंगा, या तो दलितों का उद्धार कर जाऊंगा. वो भारत में आए और एक मसीहा बन के आज दलितों को उद्धार कर गए. आज IPS, IAS, IRS, डिप्टी कलेक्टर, इंजीनियर, CM, राष्ट्रपति बने, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है. तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुजारी हूँ. अगर मैंने 100 की गिनतियों में अगर मैंने 5 गिनती कम कर दिया तो हमारा समाज 95% से जोड़ा जाएगा. इतना हमें काम करना है. देखिए, आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी अगर दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है आज़ाद भारत में, तो ये नहीं होना चाहिए. उच्च वर्गों को इस देश में एकता लाने के लिए दलित समाज के साथ मिलजुल करके साथ रहना चाहिए और सामाजिक समानता के माध्यम से सबको एक साथ लाना चाहिए, जुल्म को ख़त्म करना चाहिए, ताकि अगर इस देश में दलितों के ऊपर जुल्म होता है तो देश कमज़ोर की तरफ जाता है. इसलिए हमें देश को कमज़ोर नहीं करना है. मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जो हमारी ममता केदाम जी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा कि सामाजिक समानता के से पूरे महाराष्ट्र में जो आज नागपुर हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जिन्होंने दीक्षा लिया था, ये हमारा नगरी है, धर्म नगरी है और RSS का भी हेडक्वार्टर है. तो इस माध्यम से दोनों लोगों को ये प्रतिज्ञा करना चाहिए कि दलित समाज और उच्च वर्गों को एक साथ आकर के सामाजिक समानता और समरसता के माध्यम से समाज को जोड़ने की कार्य करना चाहिए और एकत्रित करने का कार्य करना चाहिए. देखिए, हम लोग तो पूरे गांव में जाते हैं जहां जुल्म होता है, वहां जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों को साथ में इकट्ठा करते हैं और दोनों से बातचीत करके समस्या का समाधान करते हैं, ताकि समाज का एकत्रित हो और समाज उसके साथ जुड़े और देश में जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए. हम नेक्स्ट हमारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम पूरे में कोशिश करेंगे कि हम हर गांव हर शहर में पहुँचें और हमें रथ भी चलाना पड़ेगा, तो हम रथ भी चला के माध्यम से लोगों तक पहुँचेंगे.
देखिए, पूरे देश में सामाजिक समानता के माध्यम से हम काम कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा प्रभाव मिला है। और यहाँ भी हमारे जो महाराष्ट्र की टीम है वो टीम भी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है और आगे भी हमें करते रहेंगे। हम आगे भी हमारा प्रोग्राम लगा होता है, आज हम यहाँ हैं तो कल हैदराबाद में हमारी सामाजिक समानता का ये प्रोग्राम है। गाँव के तरफ समरसता तो गाँव में चाहिए, शहरों में समरसता तो है लेकिन गाँव में समरसता नहीं है, तो ज़्यादा तो हम ग्रामीण पर ही काम कर रहे हैं। इसी माध्यम से कि गांव में जो जुल्म हो रहा है, जो गांव जहां पे आज भी जुल्म है, लोग भय से जी रहे हैं, जो जात पात है उसको ख़त्म करने के लिए दोनों पार्टियों को एक साथ लाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी इतना जात पात रहा नहीं है, क्या आप देखिए अभी कहीं कहीं है, जो हमारा युवा साथी है वो जो युवा वर्ग है वो तो जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो पुराने लोगों की अभी भी मानसिकता कुछ लोगों की इस तरह है। और मैं यही कहूँगा कि सामाजिक समानता के माध्यम से हो सके पूरा ही ख़त्म हो जाए। मैं युवा पीढ़ी को आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि देश में अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो जोश के साथ नहीं, उनको होश के साथ तो करना चाहिए, वो सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। और आने वाला समय इस देश में युवाओं का है, युवा हमारा, जब हमारे युवाओं को ये देश है और युवा हमारा जागरूक रहेगा तो देश में एक अच्छी खुशहाली आएगी, यही मैं देश के जनता से कहूँगा। और देश के प्रधानमंत्री से मैं मांग भी करूँगा कि युवाओं के जो रोज़गार हैं उस रोज़गार पूरे मुहैया कराया जाए और युवाओं को रोज़गार मिले ताकि हमारा देश और आगे तरक्की करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय कहूँगी, क्योंकि मैं मुझे महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया है बौद्ध संघ के, और राष्ट्रीय बौद्ध संघ से मुझे जुड़ने के बाद मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। क्योंकि मैं काम करती थी, पहले भी काम करती थी, लेकिन कुछ तो भी अपने को प्लेटफॉर्म चाहिए या कोई बैनर चाहिए, तो राष्ट्रीय बौद्ध संघ का बैनर बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत जुड़ रहे। आज मुझे सिर्फ नागपुर में ही लोग पहचानते थे, लेकिन आज देश के लोग मुझे पहचानना चालू कर दिए कि ये है ममता गेड़ा मैडम कि जो राष्ट्रीय बौद्ध संघ से जुड़ी हुई है। और मुझे तो ये लग रहा कि एक दिन पूरा भारत देश ही बौद्ध में होना चाहिए, क्योंकि अपना यानी हर देश में बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा है, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, हर जगह पर है। तो लेकिन अपन भारत देश में रहने के बाद भी भारत देश में बौद्ध धर्म कम है, कम परसेंट से। तो मैं यही चाहूँगी कि भारत देश में बौद्ध में पूरा भारत देश होना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है कि यहाँ शांति, अहिंसा और बंधुत्व, स्वतंत्रता का समभाव चलता है और सार्वभौमत्व यह है, सार्वभौमत्व उसको लिया जाता है। अधिक बातम्यांसाठी बघत रहा स्टार एपिक्स न्यूज, स्टार सवारी।